वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले आप पानी बॉईल होने के लिए रखें, उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के पानी को बॉईल होने दें। दूसरी तरफ आप चिकन को बारीक बारीक क्यूब्स में काट लें, बाइट साइज क्यूब्स होने चाहिए, ज़्यादा बड़ा चिकन गलता नहीं है। इसको आपने सॉल्ट, सोया सॉस, काली मिर्च और कॉर्नफ्लोर के साथ मैरिनेट करके एक साइड पर रख देना है जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ये सारी सब्ज़ियाँ आप चॉप करके और एक प्लेट में रख लें। इसमें कैप्सिकम जाएगी, गाजर और बंद गोभी, और इसमें प्याज जाएगा और गार्लिक जाएगा। ये सारी आपने बारीक बारीक काट के तो रख लेनी है अपनी प्लेट में। सब्जियां कटिंग हो जाएं तो पास्ता बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। कैरेट जो है वो मैंने चॉपर से चॉप कर ली थी क्योंकि इसमें बारीक बारीक कैरेट अच्छी लगती है, मोटी कैरेट बच्चे खाते नहीं हैं। और ये बंद गोभी है, इसको आपने बारीक बारीक काटना है। ये सारी सब्जियां मिक्स हो जाती हैं पास्ते में, नज़र भी नहीं आती, सिर्फ कलर इन्हेंस करती हैं ये और टेस्ट इन्हेंस करती हैं। ये देखें, ये हमारी सारी सब्ज़ियाँ कटिंग हो गई हैं। अब हमने एक कढ़ाई रखी चूल्हे के ऊपर, उसमें हमने ऑयल डाला तकरीबन 4 चम्मच, उसमें हमने गार्लिक डाला, उसको हल्का सा फ्राई किया और इसके बाद हमने जो अपना चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ये दूसरी तरफ हमारा पानी बॉईल हो गया, इसमें मैंने पास्ता डाल दिया है, उसको मैं दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दूँगी, वो वहाँ बनता रहेगा, बॉईल होता रहेगा। और इधर हम अपना पास्ते का सारा सॉस वगैरह और उसकी वेजिटेबल्स रेडी कर लेंगे। ये गार्लिक के अंदर हमने चिकन डाल के उसको 5 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई किया है। ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैरिनेट हुआ होता है तो गल जाता है। फिर उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर दें सारी, पर क्योंकि हमने बारीक बारीक चॉप किए हुए हैं तो इसलिए वो थोड़ी सी भुनाई से ही वो बेहतरीन गल जाएंगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है ताकि उनका कलर जो है वो पास्ते के अंदर नज़र आता है। वेजिटेबल मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। मसालों में भी हमने ब्लैक पेपर, दादर मिर्च और सॉल्ट, सोया सॉस, और इसमें हम डालेंगे शुगर, तकरीबन 1 टेबलस्पून शुगर डालेंगे। इसका असल टेस्ट जो है वो शुगर से ही निकलता है। ये मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। क्वांटिटी आप देख लें, तकरीबन पास्ता का 1 पैकेट है तो उस हिसाब से तकरीबन 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1/2 चम्मच मैंने दादर मिर्च डाली है, 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है और तकरीबन 3 चम्मच मैंने सोया सॉस के डाले हैं। और इसका जो ख़ास सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो अभी मैं आपके सामने डालूँगी जिससे इसका असल टेस्ट जो है बाज़ार वाला, रेस्टोरेंट वाला टेस्ट जो है वो निकल के आता है। वो जनाब ये है चिकन पाउडर, ये आपने 1 चम्मच जो है वो भर के डालना है इसमें। इसी की वजह से हमने नमक भी कम डाला है और ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा पास्ते को, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे रेस्टोरेंट का पास्ता खा रहे हैं आप। इन सारी चीज़ों को वेजिटेबल में डालने के बाद अब अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये मैं इसमें ये ड्राई चिलीज डालती हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये डाल के तो इसको मैं मिक्स करूँगी। और दूसरी तरफ मेरा पास्ता बॉईल हो गया, उसको मैंने ड्रेन कर लिया, उसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार लिया ताकि वो आपस में चिपके नहीं। और ये जब हमारा मिक्स हो जाएगा सारा सॉल्यूशन तो इसके अंदर मैं वो पास्ता ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल भी ढका नहीं है, ये सिर्फ इसी तरह हल्का सा फ्राई करने में ही ये कुक हो जाता है। यहाँ मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढका था ताकि कोई इसमें कोई चीज़ कच्ची ना रह जाए। उसके बाद मैं इसमें पास्ता ऐड करूँगी। ये देखिए आप, मेरे जो शेल पास्ता मेरे पास था मैंने वही बना दिया, थोड़ी सी नूडल्स थी वो उसमें मिक्स कर दी थी तो ये भी बहुत मज़े का बना था। ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी, अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको ताकि सारा पास्ता जो है वो टेस्ट से और फ्लेवर से कोट हो जाए। एंड में इसके ऊपर मैंने चीज़ ग्रेट कर दिया था और जनाब ये ज़बरदस्त सा पास्ता मज़ेदार सा तैयार था।